अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस जो मैंने किया डे वेडिंग का, वो एक्सप्लेन करूँगी कि कैसा रहा, और वेन्यू दिखाऊंगी, सब बताऊंगी क्या थीम थी, हमने कितना एंजॉय किया। मलीर कैंट से आगे अलफजल फार्म हाउस है ये, जहाँ पे डे वेडिंग थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में डे वेडिंग जो है वो अटेंड करी थी। आप देख सकते हैं कि वाइट की थीम की डेकोरेशन है। अभी कोई मेहमान इतने नहीं आए हुए हैं, हम लोग जल्दी आ गए थे। सारी सेटिंग वगैरह अभी भी कंटिन्यू है, अभी लाइट्स लग रही थी और छोटे मोटे काम जो आपको पता है एंड टाइम तक रह जाते हैं वो सब हो रहे थे। और ये रही मैं अपनी वीडियो बनवाते हुए। वेडिंग की जो थीम थी वो थी वाइट कलर की, वाइट लाइट्स जो कलर होता है, क्रीम कर लो या ऑफ वाइट कह लो, ये थीम थी। और ये ड्रेस मेरा डिज़ाइन किया है रबिया गनी ने, बहुत ही कंफर्टेबल येट वेरी एलिगेंट। आप देख सकते हैं मुझे अपना ड्रेस बहुत अच्छा लगा था, और क्योंकि मैं थोड़ी बल्की बल्की हूँ, बल्की तो नहीं खैर मोटी हूँ, तो मुझ पर काफ़ी सूट किया जो कट उन्होंने मेरे लिए डिसाइड किया, काफ़ी अच्छा ड्रेस था। और जी ये पूल एरिया था, यहाँ पर डर लग रहा था पहले तो यार, कहीं बच्चे बच्चे जो हैं आपको पता है सुकून में तो आते नहीं हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कोई बच्चा बच्चा गिरा नहीं, ना कोई बच्चा ना कोई बड़ा। बड़ा भी गिर सकता है पानी में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई भी नहीं गिरा, अच्छे से इवेंट हो गया। ये जी दुल्हन आ रही हैं, दुल्हन आपको पता है आजकल ग्रूम्स एंड ब्राइड्स जो वो जल्दी आ जाती हैं ताकि उनका डे शूट हो सके और तस्वीरें बड़ी अच्छी आती हैं। ये जी रस्में हो रही हैं, एक्चुअली सिर्फ निकाह था क्योंकि दुल्हा और दुल्हन अभी बहुत छोटे छोटे से हैं, तो इनका निकाह किया है सिर्फ। और ये लड़की वाले जो हैं वो खड़े हुए हैं तैयारी के लिए, एंट्रेंस लेने के लिए, नहीं सॉरी, ये लड़के वाले हैं। एक्चुअली कज़न्स मैरिज थी, तो लड़की वाले क्या लड़के वाले क्या सब एक ही पूरा ख़ानदान था। और ये है ब्राइड, और ये है फोटोग्राफर्स की बारात। इतने सारे फोटोग्राफर्स होते हैं ना अब तो शादियों में कि बस। सारे क्लॉज वगैरह जो है वो फाइनलाइज हो रहे थे, और निकाह के वक्त जो है फरिश्ते कहते हैं ज़मीन पर उतर आते हैं जोड़े को दुआएं देने के लिए, और बड़ा ही प्रेशियस सा एक मौका होता है ये। के बाद उनकी फूफियाँ ग्रूम की आई रस्म करने के लिए और दुआएं देने के लिए। उसके बाद हाई टी हुई थी, हाई टी पे बहुत रश था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई, और उसके बाद डिनर था हाई टी के बाद, तो डिनर पे आप देख सकते हैं सैलेड बार है और लाइव तंदूर था, लाइव कोयला कढ़ाई थी, बिरयानी, कबाब। एक्चुअली इनके शटर बंद हुए तो आप देख नहीं सकते इस वजह से, और थोड़ी सी ना यहाँ पे लाइटिंग भी कम थी,
बाकी जगह पे तो अच्छी लाइटिंग थी खाने के टाइम, खाने की जो जगह ने जहाँ डिसाइड की थी। और ये जो है ना रिंग सेरेमनी हुई थी, तो उसके बाद ये थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हुआ था। और जी यही हमारे व्लॉग की होती है एंडिंग। अगर आपको हमारे ब्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमको।